नमस्ते छात्रों गुड मॉर्निंग यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में लोरिया नंदनगढ़ एवं लोथल के बारे में अध्ययन करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स जो प्राचीन कालीन प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में भी उनके बारे में हमने आपको काफ़ी कुछ पहले भी पढ़ाया है और ये दो और स्थल हैं जो इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कई बार एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो देखिएगा ये जो वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे लोरिया नंदनगढ़ एवं लोथल क्यों प्रसिद्ध है के बारे में और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि यदि आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल इंडिया एज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें वीडियोज़ को और कोई भी आप लोगों के पास सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारे वीडियोस कैसे हैं आपके लिए कितने यूजफुल हैं और यदि कोई सुधार करने लायक कोई विचार आप लोगों के हो तो आप हमें बता सकते हैं हम उस पर गौर करेंगे तो देखिए पढ़ते हैं लोरिया नंदनगढ़ एवं लोथल तो देखिएगा सबसे पहले है लोरिया नंदनगढ़ तो जो ये लोरिया नंदनगढ़ है ये है बिहार के चंपारण ज़िले में स्थित है ठीक है।, है इस स्थान से अशोक का एक स्तंभ लेख मिलता है और जो स्तंभ लेख है यह है बलुआ पत्थर से निर्मित है तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो लोरिया नंदनगढ़ से स्तंभ मिला है वह कौन से पत्थर में है वह बलुआ पत्थर में है यह किसका अभिलेख स्तंभ लेख है यह अशोक का है और जो ये स्तंभ लेख है इसके शीर्ष भाग पर सिंह की प्रतिमा है दिख रही है आपको देखिए फोटो में मतलब जो अशोक का अशोक का जो स्तंभ लेख है इसके ऊपरी ऊपर सिंह की प्रतिमा स्थापित है इसके ऊपर कालीन ब्राह्मी लिपि में पांच लेख अंकित हैं ठीक है तो इसकी विशेषता क्या है कि जो स्तंभ लेख है इस पर एक सिंह की प्रतिमा है और इसके ऊपर मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में पांच लेख लिखे गए हैं बुद्धकालीन गणराज्य बुल्ली की राजधानी अलकप इसी स्थान पर स्थित थी जिसके खंडर इसी स्थान से मिलते हैं ठीक है लोरिया नंदनगढ़ के समीप दूसरा स्थल लोरिया अरराज है यहाँ से भी शोक का स्तंभ लेख मिलता है इसका शीर्ष भाग नष्ट हो गया है इसके ऊपर छ लेख उत्कीर्ण हैं ठीक है थीके? तो देखिए अशोक के जो स्तम्भ लेख हैं उनके बारे में भी हमने पहले वीडियो बनाया है तो आप वहाँ प्ले लिस्ट में जाके और वीडियोस देख सकते हैं वीडियोस बहुत ही इम्पोर्टेंट है ठीक है अब चलिए देखते हैं लोथल तो लोथल के बारे में तो सबको पता ही होगा हमने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था लोथल क्यों प्रसिद्ध है ठीक है तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल था यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं तो देखिएगा जो लोथल है ये कहाँ स्थित है लोथल है ये गुजरात की जो भोगवा नदी है इसके तट पे स्थित है और इसकी खोज किसने की थी तो इसकी खोज है वो उन्नीस सौ में एस आर राव ने की थी तो डॉक्टर एस आर राव को रंगनाथ राव भी कहते हैं इनका पूरा नाम सिकारीपुर रंगनाथराव भी था ठीक है और यहाँ से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से मिलते हैं और दूसरा एक स्थल कौन सा है जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता में का जो स्थल है और चावल के साग से मिलते हैं वो है आपका रंगपुर ठीक है और जो लोथल है इसके तो लोथल है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है लोथल का शाब्दिक अर्थ क्या है ये बताइए लोथल का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला ठीक है और इसके दो उपनाम भी थे कौन कौन से थे उपनाम लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लोथल लोथल के उपनाम कौन कौन से हैं वो लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो तथा लोथल का जो अर्थ है वह क्या है लोथल का जो शाब्दिक अर्थ है वह है मृतकों का टीला ठीक है और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यह है कि ये जो लोथल नामक नगर है ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था ठीक है तो देखिए पढ़ते हैं लोथल तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित इस, इस स्थान से संदव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए उत्खनन में यहाँ से चबूतरा रक्षाभिति सड़कों भवनों नालियों तथा ईंटों के अवशेष प्राप्त होते हैं ठीक है इनसे पता चलता है कि यहाँ के निवासी बाढ़ से अपनी रक्षा के लिए ऊंचे टीलों पर बस्तियां बनाते थे भवनों से स्नान तथा नालियों के भी अवशेष मिलते हैं लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था यहाँ से जहाजों की गोदी मिली है जिससे सूचित होता है कि इस नगर का व्यापारिक महत्व था और यहीं से समुद्री व्यापार जहाजों द्वारा किया जाता ठीक है तो ऐसा स्थल जहाँ से गोदी मिली है वो है लोथल यह स्थल मध्य यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार करने का प्रमुख बंदरगाह था यहाँ से फारस की खाड़ी की प्रकार की एक मुहर भी मिली है सॉरी यहाँ से प्राप्त कुछ मोहरों पर कपड़े के छाप के चिन्ह प्राप्त हुए हैं यहाँ से भी धातु कर्मियों सीप आभूषण बनाने वालों तथा मनका बनाने वालों की दुकानें प्राप्त हुई हैं एक ही कब्र में दो लोगों के शव के पाए जाने से यहाँ युगल सवाधान की रीति की पुष्टि होती है तो लोथल से युगल सवाधान के साख से भी मिलते हैं यहाँ से अग्निवेदियों के साक्ष से मिले हैं यहाँ से एक तराजू भी प्राप्त हुआ है लोथल से एक ऐसा शव प्राप्त हुआ है जो कब्र करवट लिए हुए लिटाया गया है शिव का सिर पूर्व तथा पैर पश्चिम दिशा में है ठीक है लोथल लो से घोड़े की मृण मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। लोथल से प्राप्त अवशेषों में महत्वपूर्ण अवशेष देखेगा चावल तथा बाजरे का साग से फारस की मुहर तीन युगल समाधियां, बंदरगाह घोड़े की मृण मूर्तियां उपकरण बाढ़ तथा माप और पत्थर के उपकरण आदि प्राप्त हुए हैं तो पूछ सकते हैं लोथल के बारे में अब देखिएगा परीक्षा उपयोगी जो महत्वपूर्ण तथ्य वो क्या है लोथल के सब की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंटों का बना हुआ एक गहरा है जिसे जहाजों की गोदी या फिर डोक कहा गया है गोदी बाड़ा की प्राप्ति से इस नगर के प्रसिद्ध बंदरगाह होने का पता चलता है यह विश्व का प्राचीनतम ज्ञात बंदरगाह था यहाँ मिस्र तथा मेसोपोटामिया से व्यापारिक जहाज आते जाते थे तथा लोथल का मोहनजोदड़ों से घनिष्ठ संबंध था ठीक है तो देखिएगा लोथल के बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है वहाँ भी हमने विस्तृत तौर से लोथल के बारे में बताया है वो वीडियो भी देखिएगा और इस वीडियो में हमने लोथल के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त की है और आगे भी आपको इतिहास विषय से संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में और महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी वीडियोज़ आपको मिलेंगे तो बने रहें यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज पे